शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहला जो आर्टिकल देखने वाले हैं वो इंडिया और चाइना के रिलेशन को बताता है। अब जैसा कि मैप में आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश दिखाया गया है, इंडिया और चाइना दोनों की बॉर्डर यहाँ पर बताई गई है। रेड कलर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ लिखा है, ये भारत और चाइना की सीमा रेखा है और ये तिब्बत वाला रीजन है, तो पार्टिकुलरली साउथ तिब्बत, ठीक है, साउथ तिब्बत जिसको जांगनान कहा जा रहा है। साउथ तिब्बत मतलब जांगनान। यहाँ के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, उन प्लेसेस के नाम को स्टैंडर्डाइज करने वाला है चाइना, नाम चेंज करने वाला है। इंडिया की तरफ से ये कहना है कि देखिए, नाम खाली चेंज कर लेने से जो असलियत है वो चेंज नहीं होने वाली, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और हमेशा से रहेगा, ऐसा कहना है इंडिया का। लेकिन चाइना ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इंडिया की तरफ से मात्र इतना सा स्टेटमेंट आया है, तो इसका मतलब एक बात तो ये हो गई है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कंटिन्यू डाउन होते जा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार के बदलाव या फिर पॉजिटिव चेंजेस हमको नहीं देखने को मिले। आप सीमा में कहते हैं कि दोनों तरफ के कमांडरों के बीच में बात हुई है तो काफ़ी फ्रूटफुल हुई है। अब ये किस प्रकार से फ्रूटफुल हुई है अभी तक समझ में नहीं आता है। तो एडिटोरियल में यदि हम देखें ना, तो चाइना की तरफ से जो नाम चेंज किए जा रहे हैं कुछ एरियाज़ के जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि नए तरह के रिश्तों में हम गिरावट देख रहे हैं भारत और चीन के संबंधों में। इंडिया ने समरी के रूप में, शॉर्टकट में रिजेक्ट कर दिया है चाइना के अटेम्प्ट को कि वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ के नेम चेंज करने वाला है, कुछ नए ऑफिशियल नेम वो रखने वाला है। चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स का कहना है कि हम जो है स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं 11 प्लेस के नेम्स को, जिसको चाइना कहता है साउथ तिब्बत या फिर जांगनान रीजन, और ये वो एरिया है जिसको कंसिस्टेंटली कंट्रोल करता था इंडिया। ये जो नेम है वो नाम रखे जा रहे हैं मैंडारियन में, चाइनीज़ भाषा में, तिब्बतियन भाषा में और पिनियन, पिनियन मतलब होता है इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन, और इसके साथ साथ में आप जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से यदि हम देखें तो ये जो पॉइंट हैं अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। और एक शहर तो एक जगह तो ऐसी है जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, ईटानगर उसके किनारे है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होता है चाइना की लिस्ट में। द थर्ड सच सिंस 2017, इस प्रकार की जो घटना हम देख रहे हैं 2017 से ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये है इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरनिटी है अब वो खतरे में आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, ये जो इन्वेंटेड नेम्स हैं ये बदलने वाले नहीं हैं इस रियलिटी को कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। और इसी के सामने आप आईने में देखोगे तो इंडिया ने 2021 में कहा था, जबकि चाइना ने रिनेम किया था 15 प्लेसेस को। इसके बाद 2017 में भी ऐसे ही कदम उठाया गया और 2017 में उसने 6 नाम चेंज किए थे, 2021 में 15 नेम और 2023 में आप देख रहे हैं 11 नेम। अब ये एक गलती भी हो सकती है, गिवन द टाइमिंग टू एज्यूम दैट चाइनीज डिसीजन इज ए रिपीटेशन ऑफ इट्स प्रीवियस अटेम्प्ट, पुराना जो काम वो कर रहा है उसी उसी को रिपीट करते जा रहा है चाइना। अब 2017 की जो घटना घटित हुई थी वो दलाई लामा की विजिट, दलाई लामा कहाँ घूमने गए थे, विजिट करने गए थे तवांग, उसी का बदला लेने के लिए उसने 2021 में ये काम किया, नहीं 2017 का ये कदम था। फिर 2021 में क्या हुआ था,
चाइना का जो नया लैंड और स्टेट बॉर्डर लॉ है उसके हिसाब से इसने नाम चेंज किए थे। अब यहाँ पर कई सारे फैक्टर हो सकते हैं अभी अभी जो चाइना की तरफ से कदम उठाया गया है उसको लेकर के। चाइना का जो रिएक्शन रहा है, इंडियन आर्मी ने क्या काम किया था, रीबफ्ड कर दिया था एक पीएलए अटेम्प्ट को, ठीक, रीबफ्ड कर दिया गया। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रीबफ्ड, तो इसको हम देख सकते हैं इसका मीनिंग। तो जो रीबफ्ड वर्ड है उसका मतलब होता है खारिज करना। इंडियन आर्मी ने खारिज कर दिया था चाइना की जो आर्मी है, चाइना की तरफ से जो अटेम्प्ट किया जा रहा था उसका, ठीक है। पीएलए हम किसको बोलते हैं, पीपुल, ये जो पीएलए है वो चाइना की आर्मी है। ये क्या काम कर रहा था, जो यांगसे है यहाँ पर जो एक बेस बनाया जा रहा था, किस किसके द्वारा, चाइना की आर्मी के द्वारा, इसका अपोज किया गया, विरोध किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये जगह आती है तवांग सेक्टर में, कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी में, दिसंबर 2022 की ये घटना है। यही एक गुस्सा है, ठीक है, कि हम न्यू दिल्ली को के डिसीजन को एन एंग्री रिस्पॉन्स टू न्यू दिल्लीज डिसीजन टू होल्ड ए G20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन ईटानगर विच द चाइनीज एम्बेसी हैड बायकॉटेड। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है, एक कदम तो आप देख रहे हैं एलएसी में कुछ मनमुटाव हो गया, दूसरे नंबर का जो मनमुटाव चाइना के साथ में आया वो G20 की बैठक आपने कहाँ रख दिया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की जो मीटिंग होने वाली थी उसको आपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रख दिया। इसका बॉयकॉट किया किसने, चाइना का। तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है, इसलिए चाइना क्या काम कर रहा है, वहाँ के शहरों के नाम अपने हिसाब से रख रहा है। एक प्रकार से इंडिकेशन था कि चाइना और भी ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो टाइस है उनमें गिरावट आ रही है और जो डायलॉग है वो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं हो रहे हैं। फॉर 3 ईयर्स सिंस द अमाजिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप एट एलएसी इन 2020, 2020 में जब से दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई है और सैनिक मारे गए हैं तब से लेकर के देखा जाए तो बातचीत का कोई उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। और जो ट्रांसग्रेशन है और जो एग्रेशन है कहना चाहिए, वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है क्या, कि दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना वो सही तरीके से कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इसलिए ये लोग क्या काम करते रहते हैं, अतिक्रमण करते रहते हैं एक दूसरे के एरिया का, और यहीं पर हमको स्कफल्स भी देखने को मिलता है, मतलब हाथापाई। और यहाँ पर हम इतनी भी देख लिए हैं कि डेडली इनकाउंटर जैसी घटना भी हुई है, कहाँ पर, गलवान वैली में। कई सारे राउंड्स की बातचीत अभी तक हुई है, ठीक है, बहुत सारे राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, एंड देयर हैज़ बीन डिसएंगेजमेंट एट सम स्टैंड ऑफ पॉइंट। और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर हमें डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है कि आप भी 2 कदम पीछे उठो हटो और हम भी 2 कदम पीछे हटेंगे। पॉलिटिकल रिलेशन जो है अभी तक रिज्यूम नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मीटिंग हुई हैं बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स की, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ब्रीफली बातचीत किए हैं चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ में G20 समिट में, कहाँ पर, इंडोनेशिया लास्ट ईयर में। तो ये काफ़ी आवश्यक हो जाते हैं कि आप चाइना का जो ये कदम उठाया गया है उसको आप थोड़ा लाइट में लीजिए। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है बेलीग्रेंस, बेलीग्रेंस मतलब जुझारूपन, ठीक है, बेलीग्रेशन, बेलीग्रेंसेस, और जुझारूपन या फिर इसको हम बोलते हैं फीलिंग से रिलेटेड। आपको चाइना के मन में क्या बात है उसको आप समझने की कोशिश करिए।
अनटिल द गवर्नमेंट प्रूव्स द रीजन बिहाइंड चाइनाज मूव, सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि चाइना ने ये कदम उठाया क्यों है और क्यों ये कंटिन्यू एग्रेशन दिखा रहा है। इट विल बी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर कर्स ऑफ एक्शन, तभी जा कर के आप फ्यूचर के लिए किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड। इंडिया कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ठीक है, क्या क्या कदम वो उठा सकता है, इसके साथ साथ में यदि हम देखें तो हम अदर कंट्रीज़ से क्या सबक ले सकते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है आज के टाइम में तीन इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रही है एक साथ में, जैसे कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाना, ब्याज दरें आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, और जो एक्सचेंज रेट है हमारा जो रुपया है वो भी कंटिन्यू क्या है उसमें गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें तीन प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, महंगाई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। अब सरकार ये चाहती है कि जो आरबीआई है इसका सॉल्यूशन निकाल करके लेके आए। तो जो आरबीआई है क्या काम करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करते रहता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब मार्केट में मनी ज़्यादा है, उस पैसे को खींचने के लिए आरबीआई क्या काम करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाता है तो आपकी जेब में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा आपकी लोन की ईएमआई में चला जाता है। जहां आप महीने की 5,000 ईएमआई दे रहे थे अब 5,500 आपको ईएमआई देना है, मतलब मार्केट में जो 500 रुपये एक्स्ट्रा था उसको आरबीआई ने अपने पास खींच लिया है। सेकेंड जो बात है वो है निगोशिएटिंग बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कुछ निगोशिएशन कर रहा है बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। इससे क्या होगा, इंडिया के जो फार्मर हैं, इंडिया के जो वर्कर हैं, इनको इनके जो इंटरेस्ट है उसको सेव करके रखना चाहता है गवर्नमेंट। फॉर विच कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड अमंगस्ट द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स। इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है अफेक्टिंग ऑल सिटीजन्स इज सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। कैसे करके आप सभी लोगों को एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट आप ऐसा दीजिए, रोज़गार ऐसा हो जिसमें पर्याप्त उनकी इनकम होना चाहिए। इसमें इन्वॉल्व होंगे सभी मिनिस्ट्री, सभी स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड नंबर की जो बात है उसको आप लिंक करते हैं अदर दो के साथ में। इट हैज़ बिकम ए प्रिंसिपल काज ऑफ सोशल टेंशन एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और सोशल टेंशन हमको देखने को मिल रहा है। अब हमारे देश की जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके पास में कोई भी सिस्टमेटिक सोल्यूशन नहीं है इस पॉली क्राइसिस का, मल्टी क्राइसिस का। कंसेंसस अमंग देम हैज़ ब्रोकन डाउन। उनके बीच में जो सहमति है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इवन अबाउट सॉल्यूशन टू इट्स सेपरेट पार्ट्स, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तो सॉल्यूशन आपको लेकर के आएंगे, वो आपस में डिवाइडेड हैं कि क्या जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनको ऑपरेट करना चाहिए स्वतंत्र तरीके से, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट्स। वेदर इन्फ्लेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्या जो इन्फ्लेशन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ, क्या महंगाई को रोजगार पर हावी होना चाहिए, क्या उपभोक्ताओं के लिए आयात कम खर्चीला बनाया जाए या श्रमिकों की आय की सुरक्षा को उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और ये चीज़ प्रभावित होगा डिप्रेशन ऑफ रुपीस से। चाइना से हम क्या लेसन सीख सकते हैं, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात से एग्री हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट यदि होता है तो वो इंडिया की ग्रोथ करेगा। इसीलिए हम एक लेसन सीख सकते हैं चाइना की हिस्ट्री से। चाइना और इंडिया दोनों ने ही ओपन किया था अपनी इकोनॉमीज़ को ग्लोबल ट्रेड करने के लिए अराउंड द सेम टाइम। फिर 35 साल, आज से 35 साल पहले
दोनों ही कंट्री जो है सिमिलर लेवल पे थे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एंड सिमिलर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। उस टाइम में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भी चाइना में सेम ही थी। इसके बाद से चाइना ने अट्रैक्ट करना चालू कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, दैट वाज मैनी टाइम्स मोर देन इंडिया, जो कि इंडिया से कई कई गुना था। इसके बाद अपने जो नागरिक हैं इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई थी 5 गुना तेज़ी से। इससे भी ज़्यादा ये है, चाइना बन गया था एक इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पावर हाउस विच द यूनाइटेड स्टेट इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाई, और इससे खतरा पैदा हो गया था अमेरिका को। पश्चिमी जो देश हैं वो चाहते हैं, घेरना चाहते हैं इंडिया को, कॉन्टेन नहीं चाइना को, चाइना को कॉन्टेन करना चाहते हैं। सिंस वेजेस इन चाइना हैव बिकम मच हायर, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेजेस हैं, जो दैनिक मजदूरी है वो हाई हो गई। अब इसी प्रकार से इंडिया भी क्या चाहता है, ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है। इसके लिए इंडिया को कम्पीट करना पड़ेगा अदर कंट्रीज से। वियतनाम बहुधा जाना जाता है एक ऐसी कंट्री जो कि प्रोवाइड प्रूव किया है मोर अट्रैक्टिव देन इंडिया टू वेस्टर्न एंड जापानीज इन्वेस्टर। जापान के लोग और जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं इंडिया की जगह वियतनाम ज़्यादा जा रहे हैं, क्या रहा? क्या रीज़न है? देयरफोर आफ्टर चाइना इकोनॉमिस्ट आर टर्निंग टुवार्ड वियतनाम आल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाई। इसीलिए अब चाइना की जगह हम क्या काम कर रहे हैं, वियतनाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पश्चिमी जो नव उदारवादी अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार नीतियों को अपनाने के लिए चीन की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया था, और वे इसे केवल वियतनाम के हालिया उछाल के कारण के रूप में देखते हैं। हालांकि जब वे वियतनाम को देखते हैं तो वे चीन से सीखी गई बातों को फिर से खोज लेते हैं। जब दोनों देश विदेशी निवेशकों के लिए खुले, वियतनाम से पहले चीन, वे पहले ही सार्वभौमिक शिक्षा और अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ मानव विकास के उच्च लेवल को प्राप्त कर चुके थे। क्या जरूरी है? ह्यूमन डेवलपमेंट भी जरूरी है यदि आप ग्रोथ कर रहे हैं तो, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो। तो वहीं कहीं आप देखोगे 10 साल पहले इंडिया में ट्रेड एंड ग्रोथ इकोनॉमिस्ट जैसे कि जगदीश भगवती वर डिमिसिव ऑफ इकोनॉमिस्ट लाइक अमर्त्य सेन हु एडवोकेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ग्रोथ। तो अमर्त्य सेन की आप बात कर लें, 10 साल पहले भी जगदीश भगवती जैसे व्यापार और विकास अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों को खारिज करते थे, इनकी बात नहीं मानते थे, जिन्होंने विकास के मानव विकास सिद्धांत की वकालत करी थी। जगदीश भगवती ने कहा था कि पुनर्वितरण से पहले आर्थिक पाई का आकार बढ़ाना जाना चाहिए। क्या कहा था जगदीश भगवती ने? कहना था जो इकोनॉमिक पाई है इसको इंक्रीज करना चाहिए, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मतलब सबसे पहले आप अपनी जीडीपी को बढ़ाओ तब जा करके फिर पैसे को ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाओ, कुल मिलाकर के यहाँ बात यह आ जाती है। लेकिन इन्होंने जो कहा, ये जो सीक्वेंस बताया वो सही नहीं था। बेसिक ह्यूमन जो डेवलपमेंट है मस्ट प्रिसीड ग्रोथ। ग्रोथ आप कर रहे हो तो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट शो होना चाहिए, वही असली ग्रोथ होती है। फिर भी इनकम्स मस्ट बी इंक्रीज्ड, मेरी जो आय है वो बढ़ना चाहिए टू इनेबल मोर कंजप्शन एंड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, यदि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा, खर्चा ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और प्रोडक्शन करेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए लोगों की इनकम बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है द प्रॉब्लम विद द करेंट पैराडिग्म, वर्तमान प्रतिमान के साथ में क्या समस्या है, इसको हम समझते हैं। तो जो घड़ी होती है उसको आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, टाइम को आप वापस नहीं मोड़ सकते हैं। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक रास्ते को
ताकि जो इकोनॉमिक ट्री है उसकी जड़ों को आप मजबूत कर सकें, ताकि आप जो है बढ़िया फल की हार्वेस्टिंग कर सकें एक ही टाइम में। तो करेंट जो पैराडिम है, ठीक है, करेंट जो मॉडल है इकोनॉमिक्स का, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये एकदम सीधा सीधा है। टू मैथमेटिकल है, टू मैकेनिकल है। इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स इन टू देयर ओन सेल्फ रेफरेंशियल सिलो। दे शुड ब्रेक आउट ऑफ इट एंड एग्जामिन इमर्जिंग साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्फ एडाप्टिव सिस्टम। सेल्फ एडाप्टिव सिस्टम जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे क्या इमर्जिंग साइंस है, वैज्ञानिक लोग इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही प्रोवाइड कर सकता है एक रास्ता इकोनॉमिस्ट लोगों को और पॉलिसी मेकर को कि आप जो है कम्फ्रेंड कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम लेकर के आइए। इससे क्या होगा, जो ईच अदर है उनके बीच में जो अंतर है उसको आप क्या कर पाएंगे, इंट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आगे आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉस, फंडामेंटल कमियाँ देखने को मिलती हैं करेंट पैराडिम में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं बहुधा वो क्या काम करते हैं, सिटे करते हैं, मतलब हवाला देते हैं तियानबर्ग की थ्योरी की, जो कहती है हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं कितने होने चाहिए, जितने हमारे पॉलिसी गोल हैं। मुझे एक गोल हासिल करना है तो मेरे पास एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसके लिए, दो पॉलिसी गोल हैं तो दो, तीन हैं तो तीन। ये जस्टिफाई करता है कि हमें ज़रूरत है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की, ताकि हम जो है मैनेज कर सकें इन्फ्लेशन को। सेपरेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट की हमें ज़रूरत है, एंड सेपरेट पॉलिसी की ज़रूरत है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के लिए। ये एक मैकेनिकल और लीनियर है, एक मैकेनिकल और लीनियर व्यू है कि कैसे करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिस्टम में विच ऑल नेचुरल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आर, जिसमें नेचुरल और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आ जाते हैं, रूट कॉज कंट्रीब्यूट करता है कई सारे रिजल्ट को। इससे भी ज़्यादा ये है, आउटकम सर्किल बैक टू फीड द रूट टू। आउटकम्स का जो सर्किल है, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो फिर से वापस में रूट को फीड करने का काम करता है। इसीलिए जो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम होता है उसको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए लीनियर, आप इसको एक सर्किल के रूप में मान के चलिए। जितने भी जो कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल नेचुरल और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आ जाते हैं, वो एक अलग ही डिफरेंट शेप धारण करते हैं डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइम में। यहाँ तक कि सेम टाइम में भले ही उनका कॉन्स्टिट्यूट आपने किए हो, गठन किए हो, चूँकि जो प्रत्येक ह्यूमन बॉडी है उसके पास सेम ऑर्गन है, एवरी ह्यूमन बींग इज़ डिफरेंट, लेकिन फिर भी इंसान अलग अलग है। गुड डॉक्टर नो दिस, और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो इसको समझते हैं। गुड डॉक्टर्स लिसन टू अंडरस्टैंड देयर पेशेंट्स प्रॉब्लम एवरी टाइम बिफोर प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट। तो अच्छे डॉक्टर क्या काम करते हैं, सबसे पहले समस्या को समझते हैं, तब जा करके ही गोली दवाई लिखते हैं। इसके बाद क्राइसिस की बात की जाती है, संकट और हमारे पास जो सिस्टम है वो किस प्रकार से अपर्याप्त है। मैक्रो अर्थशास्त्री वैश्विक समाधान खोजते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, वियतनाम या भारत के अनुकूल व्यापार और मौद्रिक नीतियां दूसरों की जरूरत के हिसाब से नहीं होती। देयर नीड हैव इमर्ज फ्रॉम देयर ओन हिस्टोरीज। मेरे भारत की जरूरत भारत के इतिहास से पैदा हुई है। इकोनॉमिस्ट जो है यहाँ तक आते हैं कि कैसे करके सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे, डाटा को कंपेयर करते हैं ट्रेंड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में, फिर अपनी इक्वेशन को वो कंप्यूटर पर चलाते हैं। अब इनके मॉडल में क्या होता है
पीपल जो है नंबर की तरह रहते हैं। इकोनॉमिस्ट डू नॉट लिसन टू रियल पीपल, इकोनॉमिस्ट क्या है जो रियल पीपल है उनकी सुनते नहीं है। वेयर पॉलिटिशियन ट्राई टू एट लीस्ट, जहां पर क्या बात करी जाती है, जबकि राजनेता कम से कम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय अर्थशास्त्रियों की शिकायत है कि खराब राजनीति अच्छे अर्थशास्त्र के आड़े आ रही है, जबकि खराब अर्थशास्त्र देश की सामंजस्यपूर्ण प्रगति के रास्ते में आ सकता है। आइंस्टीन ने कहा था कि प्रणालीगत समस्याओं को उसी सोच के साथ हल करने के लिए कड़ी मेहनत करना पागलपन है। वेस्टर्न कंट्रीज में आविष्कृत वैश्विक समाधान और आर्थिक सिद्धांतों ने समस्याएं पैदा कर दी हैं जिनके लिए नए समाधान जरूरी हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 की महामारी और उभरता हुआ जलवायु संकट, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि वन सॉल्यूशन जो है सभी समस्याओं को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, G20 की थीम रही है जिसका लीडरशिप भारत इस साल कर रहा है। नए अर्थशास्त्र की हमें ज़रूरत है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो ऑटोमेटिक, क्या लिखा है यहाँ पर, ए न्यू इकोनॉमिक्स इज रिक्वायर्ड, ए मूवमेंट टू चेंज द पैराडिम ऑफ इकोनॉमिक साइंस टू ब्रिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम इज बिगन इवन इन द वेस्ट। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देख रहे हैं वो बढ़ती हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट से संबंधित समस्या को लेकर के है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आपने कोई एक ऐसी किताब लिखी है, ठीक है, मान के चलिए आपने एक उपन्यास लिखा है, अच्छा खासा उसकी बिक्री हो रही है, आपको उसका कॉपीराइट मिल गया है। अब कोई, वो बुक बिकती है, आपकी कमाई होती है, लेकिन वही चीज़ यदि इंटरनेट पर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, वो भी फ्री में, तो बताइए आपकी कमाई होगी क्या? नहीं हो पाएगी। मतलब आपको जो कॉपीराइट का अधिकार मिला है वो खतरे में चला गया, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। इसी सब को लेकर के यहाँ पर बातचीत करी जाती है। अभी क्या है ना, लीगल टसल चल रहा है, लीगल टसल जिसको आप कानूनी लड़ाई बोल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट में चार जो मेजर पब्लिशर्स हैं, चार प्रकाशकों के बीच में और इंटरनेट आर्काइव के बीच में, विच इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट आर्काइव क्या है, एक प्रकार का आप एनजीओ कह सकते हैं, ट्राइंग टू बिल्ड ए ग्लोबली एक्सेसिबल डिजिटल लाइब्रेरी। इंटरनेट आर्काइव क्या काम करने की कोशिश कर रहा है, फ्री डिजिटल ग्लोबली डिजिटल लाइब्रेरी लेकर के आ रहा है। और इसने फिर से एक फंडामेंटल क्वेश्चन पैदा कर दिया है, इंटरफेस ऑफ कॉपीराइट लॉ का एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, तो दोनों के बीच में यहाँ पर हमको गतिरोध देखने को मिल रहा है। क्या ये जो कॉपीराइट के कानून हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट को, या फिर कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स को? तो जो कॉपीराइट लॉ आए हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स, प्रोटेक्ट द ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ऑनलाइन वेबसाइट, कॉपीराइट होल्डर मतलब वो बुक का लेखक, मतलब चार जो पब्लिशर की बात कर रहे हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जो इंटरनेट आर्काइव है इसने अचीव, इसके पास में हमको कलेक्शन देखने को मिलता है 735 बिलियन वेब पेजेस का, 41 मिलियन बुक्स का और टेक्स्ट का, और 14.7 मिलियन ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं और 8.4 मिलियन वीडियोस हैं, 4.5 मिलियन इमेजेस हैं और 8,90,000 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं। थोड़े से ही समय में, विस्तार के टाइम में हम देखते हैं इंटरनेट आर्काइव बन गया है एक ट्रूली ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, पार्टिकुलरली ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल हैं, विकलांग लोग हैं। तो इसका जो सब्सटेंशियल पोर्शन
है बुक्स का, वो डिजिटाइज़ किया गया है इंटरनेट आर्काइव के द्वारा, और ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन से बाहर है एंड एक्सेसिबल है विथआउट रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो प्रकाशक लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि लगभग 3.6 मिलियन जो बुक हैं जो कि अवेलेबल हैं, लोग इनको ख़रीदते हैं अंडर सम कंडीशन आर एक्चुअली कॉपीराइटेड, और ये जो बुक हैं एक्चुअल में कॉपीराइटेड है। दे हैव बीन बी पार्टिकुलरली अपसेट बाई नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी, ठीक है। और वास्तव में देखा जाए ना तो इनको अपसेट किया गया है किस रूप में, इनको अपसेट किया गया है पार्टिकुलरली नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी के रूप में। इसका मतलब ये है इंटरनेट आर्काइव ने सेटअप किया है एक पीक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक के दौरान, जहाँ पर इंटरनेट आर्काइव ने रिलैक्स किया था कुछ कंडीशंस लैंडिंग के लिए। अब जो प्रकाशक लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो इंटरनेट आर्काइव है वो वायलेट करती है डाइवर्स राइट्स प्रोवाइडेड अंडर कॉपीराइट लॉ फॉर 127 टाइटल्स पब्लिश बाय देम। फिर इंटरनेट आर्काइव क्या काम करती है, इसका खंडन करती है कि ये जो बुक हैं अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन आर लेंट ओनली इन ए रेगुलेटेड मैनर, हमने इनको रेगुलेटेड मैनर में ख़रीदा है किसके माध्यम से, कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से, एंड शुड देयरफॉर बी कंसिडर्ड टू बी फेयर यूज अंडर यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ, और अमेरिका में जो कॉपीराइट लॉ चलता है उसके हिसाब से एकदम सही है। फिर हमें समझने की कोशिश करना है CDL क्या है, कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग क्या है। तो इंटरनेट आर्काइव का जो CDL मॉडल है ये फॉलो करता है लैंडिंग अप्रोच को, जनरली सीन इन फिजिकल लाइब्रेरीज, कहाँ पर दिखाई देता है, फिजिकल लाइब्रेरीज में, वेयर इफ वन कॉपी इज आउंड, एक कॉपी यदि आपने खरीद लिए हैं दैट कॉपी कैन बी लोन्ड टू वन पर्सन एट ए टाइम। उस कॉपी को आपने क्या काम कर दिए हैं, लोन के रूप में प्रोवाइड कर दिए हैं किसी व्यक्ति को, दैट कॉपी कैन बी लोन्ड टू वन पर्सन एट ए टाइम। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट आर्काइव अपने द्वारा कलेक्ट किए गए प्रत्येक नॉन सर्कुलेटिंग प्रिंट बुक को स्टोर करके रखता है और उसकी एक डिजिटल प्रति उसने प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही साथ इंटरनेट आर्काइव की डिजिटलीकरण परियोजना में भाग लेने वाले पुस्तकालयों की उस पुस्तक की फिजिकल प्रति की संख्या पर ध्यान दिए बिना डिजिटल लोन देने के उद्देश्य से इसे हर पुस्तकालय केवल एक अतिरिक्त प्रति के रूप में गिनता है। इसके बाद इसमें बात करी जाती है कि इस प्रकार से जो चीज़ें डिजिटल अवेलेबल कराई जा रही हैं उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके अलावा भारत में क्या कंडीशन रही है, COVID-19 के टाइम में क्या हुआ था, लाइब्रेरीज बंद हो गई थी उस टाइम में, लोग एक्सेस करना चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को अपने मोबाइल फ़ोन में, तो ऐसे समय में लाइब्रेरी को क्या काम करना चाहिए था, इन किताबों को ऑनलाइन अवेलेबल कराना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के जो पुस्तक पढ़ने वाले लोग हैं, पुस्तक प्रेमी लोग हैं, उनको बुक हमेशा अवेलेबल रहती। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में CDL का मॉडल क्या कहता है, ठीक है, और इस प्रकार का डिजिटाइजेशन का असर इंडिया में पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें फ्रंट पेज से, तो फ्रंट पेज में बात करी जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो डाटा प्रस्तुत किया गया है कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी प्रभावित होने वाली है उतनी नहीं रहेगी जितनी हमने एक्सपेक्ट किया था। इसके साथ साथ में भूटान की तरफ से वहाँ के लीडर, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भारत आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, तो दोनों के बीच में क्या चीज़ों का डिस्कशन हुआ है उतना कोई इम्पोर्टेंट यदि हम देखें
कोई ट्रिटी वगैरह या किसी मुद्दे, ठोस मुद्दे पर उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। मैं यदि बातचीत होती भी है तो चाइना और भूटान की जो बॉर्डर है उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, और इससे चाइना के जो रिलेशन हैं इंडिया के साथ में वो ख़राब हो सकते हैं यदि भारत सपोर्ट करता है भूटान का। तो फिर आगे हम जब चलते हैं तो एक्सप्लेनर वाले पेज में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जानकारी हमको देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम रखा गया है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 2028। इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं और आखिर ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है ग्राउंड वाटर ओवर ऑब्स्ट्रैक्शन का, इतना ज़्यादा आप ज़मीन से खुदाई कर करके पानी निकाल रहे हैं, उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जो वाटर का सेक्टर है काफ़ी फ्रेगमेंटेशन इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ है पानी वहाँ नहीं है पानी, इसको आप विखंडन कह सकते हैं, क्योंकि जो वाटर की जो समस्या है आज के टाइम में काफ़ी लोकल हो गई है। इसीलिए एक जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है, अंतर्निहित प्रॉब्लम है इन मोबिलाइजिंग ग्लोबली फॉर लोकल प्रॉब्लम। लोकल प्रॉब्लम को आप क्या है ग्लोबली प्रॉब्लम बनाइए। इस प्रकार से जो आयोजन किया गया था वाटर की समस्या के ऊपर, इसमें 713 वॉलंटरी कमिटमेंट किए गए हैं कुछ फिलैंथ्रोपिक डोनर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कॉरपोरेशन और एनजीओ के द्वारा। तो जो ये वॉलंटरी बेस पर है, और आप जानते हैं वॉलंटरी बेस पर है मतलब करो चाहे मत करो ये आपके ऊपर है। इसमें इंक्लूडेड है $50 बिलियन का कमिटमेंट किया गया है इंडिया की तरफ से, ताकि इम्प्रूव कर सकें रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को अंडर जल जीवन मिशन। लास्ट जो यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित किया गया था 1977 में, वास ग्राउंड ब्रेकिंग एस इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान। और ये क्या है, इसको हम ग्राउंड ब्रेकिंग मान सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका असर हमको दिखा था ग्लोबल एक्शन प्लान में। तो अभी तक की स्टोरी की बात करी जाती है, यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन मार्च 2022, नहीं 2022 नहीं है, 22 से 24 मार्च के बीच में डेट बताई गई है। तो ये पहली मीटिंग थी अपने आप में इस प्रकार की। डेट कब की है, 22 से लेकर के 24 मार्च 2023 की है। एक हाल ही रिपोर्ट है जिसका शीर्षक रखा गया है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 2028। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हमें अर्जेंट नीड, अर्जेंट ज़रूरत है कि हम जो है एक्शन लें, गिवन दैट वी आर नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर वाटर। हमें कदम उठाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम SDG गोल 2030 तक जो हम रखे हैं वाटर के लिए उसको हम नहीं अचीव कर पाएंगे। जो कहता है कि हम इंश्योर करेंगे अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो SDG का कौन सा वर्जन है ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें क्या टारगेट रखे हैं SDG के अंतर्गत 2030 तक, इसका उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर कॉन्फ्रेंस आखिर होता क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, और इसको आयोजन करने से कौन कौन से फायदे होते हैं। तो जो वाटर सेक्टर है ये काफ़ी प्रोन माना जाता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन आप समझ गए हैं कि फ्रेगमेंटेशन हम किसको बोलेंगे, कहीं पर अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको जो है फ्रेगमेंटेड बोल रहे हैं इसको। जैसे कि कोई पार्टिकुलर लेक प्रदूषित हो गई है, या फिर कोई पार्टिकुलरली एरिया जो है फ्लड से आते रहता है, यहाँ हमें ज़रूरत है लोकल सॉल्यूशन की। इसीलिए ये एक आंतरिक समस्या बन गई है मोबिलाइजिंग ग्लोबली फॉर लोकल प्रॉब्लम।
द लास्ट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1977 में। जो एक्शन प्लान रखा गया था, पहला ग्लोबल एक्शन प्लान, जो कि कहता है कि जितने भी लोग हैं, वाट एवर दे आर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सोशल हो, सोशल कोई स्टेज हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, उनको अधिकार है कि वो एक्सेस कर सके ड्रिंकिंग वाटर का इन क्वांटिटीज एंड ऑफ ए क्वालिटी इक्वल टू देयर बेसिक नीड। जैसे मेरी बेसिक ज़रूरत है, उसी हिसाब से मेरे बेसिक ज़रूरत के बराबर ही मुझे पानी की ज़रूरत है, क्वालिटी वाला पानी मुझे चाहिए, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ चाहे मैं किसी भी समाज का व्यक्ति हूँ। तो ये चीज़ कही गई थी एक्शन प्लान में, पहला जो ग्लोबल एक्शन प्लान है वहाँ पर। यूएन ने जो 1977 में कॉन्फ्रेंस किया था, उसी का ये रिजल्ट रहा था। फिर इस डिक्लेरेशन के चलते चलते, ठीक है, कई जो दशक हैं ग्लोबल फंडिंग के, कई दशकों में हम ग्लोबल फंडिंग की बात उठाए हैं और कुछ ठोस एफर्ट किए जा उठाए जा रहे हैं ताकि हम लोअर कर सकें पॉपुलेशन को विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस, आज के टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं? तो एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू अनडिजर्व पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनकंट्रोवर्सियल। आप क्या काम कर रहे हैं, सर्विस को एक्सटेंड कर रहे हैं अनडिजर्व पॉपुलेशन की तरफ, इस ये क्या है, रिलेटिवली रूप से अनकंट्रोवर्सियल माना जाता है। इट कम डाउन टू फाइंडिंग द मनी टू पे फॉर इट। दिस इज ऑलरेडी ऑकरिंग इन इंडिया थ्रू प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत मिशन एंड जल जीवन मिशन। सरकार क्या काम करती है, इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च करती है, यहाँ पर पैसा फंसाती है, इन्वेस्टमेंट करती है और सुविधा अवेलेबल कराती है, फिर भी जो चैलेंज है वो है इम्प्रूव करना पानी की एक्सेस को, सैनिटाइजेशन को, साफ सफाई को, नो लॉन्गर ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू सस्टेंड एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जो ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो गए हैं बिकॉज दे ड्रू टू मच ग्राउंड वाटर। आप ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या फिर वाटर सोर्सेस वर्क कंटेमिनेटेड, जहां से पानी आप दे रहे हैं वो पानी खुद ही खराब है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां के जो लोग हैं आज भी पानी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है एग्रीकल्चर पंपिंग के माध्यम से। द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन हैवली इरीगेटेड प्लेसेस लाइक पंजाब इज टू पंप लेस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इन पंपों की संख्या को कम करिए आप पंजाब में। इसके लिए आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, इसमें रिक्वायर रहेगी कई सारी जो एजेंसी और मिनिस्ट्री हैं वो आपस में कॉपरेट करें। एज सच द वाटर प्रॉब्लम इज नो लॉन्गर अबाउट एक्सेस टू वाटर। द रिमेनिंग SDG टारगेट परटेन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड नेचुरल इकोसिस्टम। दीज टारगेट आर हार्डर एज दे नीड अमंग द अदर थिंग्स टफ पॉलिटिशियन चॉइसेस एंड स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। कौन कौन से कमिटमेंट यहाँ पर किए गए थे, तो इस कॉन्फ्रेंस में हमको 713 वॉलेंटरी कमिटमेंट देखने को मिलते हैं फिलान्थ्रोपिक्स डोनर्स के द्वारा, मतलब परोपकारी दाताओं के द्वारा। गवर्नमेंट भी शामिल है, कॉरपोरेशन है, NGO है इसमें इंक्लूडेड है। 50 बिलियन का कमिटमेंट इंडिया की तरफ से किया गया है कि मैं इम्प्रूव करूंगा रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को जल जीवन मिशन के अंतर्गत। वहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, स्पेसिफिक इनोवेशन इन वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा प्रपोजल दिए गए थे, इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे हम ताकि वाटर मैनेजमेंट को मेनली फोकस कर सकें। देयर आर ऑलरेडी मैनी सॉल्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड दस वी नीड टू एक्सीलरेट क्रॉस लर्निंग। देखा जाए तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशन हैं ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज शेयरिंग से रिलेटेड, इसलिए हमें जो है एक्सेलरेट करना पड़ेगा क्रॉस लर्निंग को। एक नोटेबल टूल हेयर वास W12+ ब्लूप्रिंट, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
एक यूनेस्को का प्लेटफार्म है जो कि होस्ट करता है सिटी की प्रोफाइल को एंड केस स्टडी ऑफ प्रोग्राम को। सिटी की क्या प्रोफाइल है, ठीक है, और प्रोग्राम जो चला रहा है उसका केस स्टडी इसमें किया जाता है। टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज एंड एड्रेसेस